हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ शुभम कुमार। हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है कि इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, लाइक वन टू वन फोर्सेज। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, वहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन से। एक बार मैकेनिज्म और याद कर लो इसमें, कि वहां पर मैंने बताया था कि जो बल्क में मॉलिक्यूल होता है उसको क्या होता है, चारों तरफ से सराउंडेड होता है, मतलब सराउंडेड होता है टू द ऑल अदर मॉलिक्यूल्स, जो क्या करते हैं उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं स्ट्रॉन्ग, और वो बैलेंस रहता है। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल रहेगा वो क्या करेगा, अदर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय फोर्स, ठीक है, बाय अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग, उस पे डिपेंड करेंगे हमारे पास एडजॉर्प्शन कौन सा हो रहा है, फिजिकल हो रहा है या केमिकल हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, वहां पर वीक अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे आपके पास, ठीक है, लाइक वैन डेर वाल्स फोर्सेज। तो ये मैंने आपको बताया था फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो, लाइक आपको मैंने वहां पर बताया यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, तो वहां पर मैंने बताया था केमिकल एडजॉर्प्शन। वहां पर मैंने कुछ टर्म्स भी डिस्कस की थी आपके साथ, टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने वहां पर थोड़ा डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, डिटेल में डिस्कस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। वहां पर मैंने आपको हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में भी बताया था, कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, कि जैसे ही मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इस सरफेस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने बताया था कि लोअर वैल्यू होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की फिजिकल एडजॉर्प्शन में, एंड हायर वैल्यू होती है केमिकल एडजॉर्प्शन। ये सब मैंने वहां पर आपको डिस्कस कर दिया लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक ही एग्जांपल आपको लिए डिस्कस किया है। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल। चारकोल कौन सा आपके पास यहां पर, एक्टिवेटेड चारकोल है, कौन सा चारकोल है, एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इसका आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप जैसे माइनिंग होती है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर जो गैस हमारे पास रिलीज होती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, तो मास का यूज करते हैं, तो उस मास में क्या होता है, चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। वो क्या करता है, वो हार्मफुल गैसेस को, जो हैवी गैसेज होती है, उनका क्या लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, बाय फिजिकल एडजॉर्प्शन। मतलब वहां पर वो बॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू उन्हें एडजॉर्ब कर लेगा, देन और वहां से क्या है, और ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी और हार्मफुल गैसेस वहां पर आपको एडजॉर्ब आपकी होती रहेगी। तो ये था आपका फिनोमिना एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल का टर्म आपको पता ही होगा, एक्टिवेटेड चारकोल मतलब इसके पास जो सरफेस एरिया है वो लार्जर सरफेस एरिया है, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल पर वे गैसेस को एडजॉर्ब कर सकते हैं, एंड जो सिंपल चारकोल है वहां पर सरफेस एरिया कम होगा। और एक्टिवेटेड टर्म तो आपको समझ सकते हो कि आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, क्लियर हुआ। ये था आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इज अ काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। मतलब यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्लियर हुआ। तो एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें सिंपल एग्जाम्पल ले लो आप, अमाउंट एटोमिक ऑक्सीजन गैस, एटॉमिक ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब बाय ग्रेफाइट। मतलब ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म है, तो कार्बन क्या कर रहा है, O2 ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और क्या बना रहा है, कौन सी ऑक्सीजन है हमारे पास, एटॉमिक ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या करेगी, एडजॉर्प्शन करेगी, केमिकल एडजॉर्प्शन, और क्या बना लेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो यहाँ पर देखो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं,
ठीक है, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। देन अगर मैं यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना चाहूँ, ठीक है, मतलब मैं चाहूँ यहाँ से कि मैं कार्बन को रिमूव कर दूँ, मतलब जो ग्रेफाइट है उसे रिमूव करूँ यहाँ से, मतलब दोनों को सेपरेट करना चाहूँ, डिजॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो करना चाहूँ, तो यहाँ पर डिजॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो होगा। जैसे हमने क्या करेंगे, हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कंबाइंड फॉर्म में यहाँ से सेपरेट होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग सेपरेटेड नहीं होंगे। कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रेफाइट पे जो हुई कार्बन ऑक्साइड गैस बनी, अगर मैं इनको कार्बन ऑक्सीजन को सेपरेट करना चाहूँ तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन जितनी जितने ग्रेफाइट पर, जितने कार्बन पर क्या होगी, ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी, एटम ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी, उतने ही पोर्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सेपरेट हो जाएगी। तब कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, जब एक बार बॉन्डिंग बन गई तो बॉन्डिंग बन गई वहां पर, ठीक है, वहां पर बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड फॉर्म में ही वहां से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं डिजॉर्प्शन प्रोसेस में, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट को दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट है, क्लियर है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट हमारे पास ग्रेफाइट और एटॉमिक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में सेपरेट होते हैं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर सेपरेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में। तो यहाँ पर बढ़िया एग्जाम्पल था ये एटॉमिक ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब बाय ग्रेफाइट। सेकेंड एग्जाम्पल, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या करते हैं इनको हम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेती है, क्या कर लेती है, ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पर भी केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, सिल्वर और गोल्ड प्लेटिनम पर एडजॉर्ब हो रही है जाके, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये फिनोमिना आपका कौन सा है, केमिकल एडजॉर्प्शन है। एंड थर्ड एग्जाम्पल जो है आपका हाइड्रोजन और निकेल, मतलब देखो जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, मतलब आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो कहीं भी एल्किन में, ठीक है, तो वहां पर निकेल आपके लिए एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो निकेल क्या करता है, निकेल हाइड्रोजन, निकेल पर कौन एडजॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जाके एडजॉर्ब होगी, जो उसे हेल्पफुल करती है एल्किन के साथ एडिशन कराने में, ठीक है, एल्किन के साथ एडिशन कराने पर वो हेल्पफुल रहता है निकेल के ऊपर, ठीक। तो हाइड्रोजन और निकेल, हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा निकेल पे जाके टू द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन निकेल पे जाके एडजॉर्ब होता है। तो ये सभी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन के थे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, ग्रेफाइट पे जाके एडजॉर्ब होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगी, ठीक है। अगर मैं इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस करना चाहूँ तो मैं कार्बन ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, वहां पर वो कंबाइंड फॉर्म में ही सेपरेट होंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सेपरेट आउट होगा, अलग अलग सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट है मेरा फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अब देखो एडजॉर्प्शन किनके बीच होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच होता है, तो सिंपल सी बात है, इनकी बात भी क्या है, इनकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट में ले रहा हूं एडजॉर्बेंट, क्या ले रहा हूं, एडजॉर्बेंट। आपको पता है एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो डिपेंड करेगा एडजॉर्प्शन के रेट पर, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया मेरे पास होगा उतना ही मेरे पास मॉलिक्यूल, उतना ही मेरे पास एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स जाके एडजॉर्ब होंगे। अगर मेरे पास सरफेस एरिया कम है तो मॉलिक्यूल्स वहां पर कम एडजॉर्ब होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसके पास, मोर होता है सरफेस एरिया, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस का जो रेट है वो हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही एडजॉर्ब एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे
देन एड्सॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पर ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारे पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, देखो चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल, तो चारकोल जो सिंपल चारकोल होता है उसके पास सरफेस एरिया की वैल्यू कम होती है, स्मॉल सरफेस एरिया होता है, लेस वैल्यू सरफेस एरिया होती है, एंड जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वहां पर लार्ज सरफेस एरिया होता है, उसे एक्टिवेट किया जा रहा है, वो लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया होने की वजह से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये मैंने आपको फैक्टर बताया था केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो यही फिनोमिना यहाँ पर लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स वाला, केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर थे सरफेस एरिया वाला, कि वहाँ पर सरफेस एरिया मोर है तो आपका एड्सॉर्प्शन भी मोर होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी मोर होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है हमारे पास, तो एड्सॉर्प्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, ठीक है। एंड एक मेरे पास सरफेस रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन वाला प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पर आपका रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। तो ये आप आइडिया यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, सरफेस में रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होता है आपका, रफ सरफेस में होता है, स्मूथ में आपको फ्रिक्शन नहीं होता है। तो जहाँ फ्रिक्शन होगा वहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू भी आपकी मोर होगी। तो एड्सॉर्ब बैंड के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो मोर सरफेस एरिया मोर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इसमें नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। मेनली जो इसमें एड्सॉर्बेट हम यूज करते हैं वो गैसेज ही हम एकदम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अब देखो गैस जब एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड पर वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैसेस पर, ठीक है। किसी भी सॉलिड्स पर गैस हम एड्सॉर्ब कराएंगे तो गैस के नेचर पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर गैस मेरी इजिली लिक्विफाई हो जाती है, कैसे हो जाती है, इजिली लिक्विफाई, तो वो इजिली एड्सॉर्ब हो जाएगी सॉलिड की सरफेस पर, ठीक है। अब इजिली लिक्विफाई गैस का मतलब क्या है, कि उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, ग्रेटर है, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर गैस इजिली लिक्विफाई हो जाती है, जिस टेम्परेचर से बिलो गैस लिक्विफाई होती है, उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से अबव हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, केवल बिलो ही कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बिलो ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर हम गैस को लिक्विफाई कर लेंगे। लिक्विफाई का मतलब कि वहां पर वो टेंडेंसी रखती है लिक्विड बनने के लिए, गैस के पार्टिकल लिक्विड बनने के लिए क्या टेंडेंसी रखेंगे। आपको पता है गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम होता है इसके कंपेयर में लिक्विड में। लेकिन अगर वे टेंडेंसी रखें लिक्विड बनने की, तो उनके बीच क्या है, उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा है, वो बढ़ गया है, ग्रेटर हो गया है, हायर वैल्यू हो गई उसकी, इसलिए वो क्या कर रहा है, गैस से लिक्विफाई हो रहे हैं, गैस लिक्विफाई हो रही है आपकी। जितनी इजी गैस लिक्विफाई करेगी उतना ही ज्यादा वो सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो जाएगी इजिली, उतनी फास्टर वो रेट को शो करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना हमारे पास गैस इजिली लिक्विफाई करेगी उतना ही सॉलिड पर हमारा गैस इजिली एड्सॉर्ब हो जाएगी। और इजिली लिक्विफाई कौन सी होगी, जो वैल्यू रखेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हायर, ग्रेटर वैल्यू ऑफ इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड जिस टेम्परेचर के बिलो गैस लिक्विफाई होती है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इस टेम्परेचर से अबव गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। अब बात आई क्रिटिकल टेम्परेचर की, आप क्रिटिकल टेम्परेचर से भी एड्सॉर्प्शन के रेट को बता सकते हो, मतलब अगर तुम्हारे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, ठीक है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू हाई है तो आपका जो गैस है गैस की वैल्यू क्या रहेगी, गैस विच हैव हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब वो इजिली लिक्विफाई हो सकती है, मतलब इजिली लिक्विफाई हम उसे कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वो हायर वैल्यू रखे क्रिटिकल टेम्परेचर की, गैस उतनी ही इजी लिक्विफाई हो जाएगी एंड उतना ही इजी वो सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगी। तो आप अगर आपको अगर क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया कि इन गैसेस में कौन सी गैस इजली क्या करेगी, एड्सॉर्ब करेगी, तो जिस गैस का वैल्यू, जिस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू हायर रहेगी वो गैस इजली सरफेस पर क्या करेगी, एड्सॉर्ब करेगी। इस बात का ध्यान रखना कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू किसी भी गैस के लिए अगर हायर है
तो वो गैस इजिली लिक्विफाई करेगी सरफेस पर। क्यों? क्योंकि वो टेंडेंसी रख रही है क्योंकि लिक्विड बनने के लिए और उनके फोर्स उनके लिए इंटरमोलर फोर्स ओवर टैक्सिंग वैल्यू कैसी है ग्रेटर है, वो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपके पास नेचर ऑफ एडजोर्बेट जो क्या कर रहा था, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहा था। मतलब इजिली लिक्विड गैस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के पर इजिली क्या हो जाएगी एडजॉर्ब हो जाएगी और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट है मेरा इसमें नेक्स्ट फैक्टर है मेरा टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मेरा फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन सभी टेम्परेचर पर अकर होता है। तो यहाँ पर आपको देखो थोड़ा सा नोट करो ये चीज कि एडजॉर्प्शन क्या बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताया था। क्या बताया था? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया था कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शार्टले प्रिंसिपल क्या है, ये फेवर करता है लो टेम्परेचर पर। मतलब अगर हमारे पास लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, लो टेम्परेचर मेरे पास रहेगा तो मेरा एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी हायर रहेगी। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा हम एडजॉर्प्शन करना चाहेंगे, एडजॉर्प्शन की वैल्यू हम इंक्रीज करना चाहेंगे तो हम टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये केवल किसके लिए है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ही फेवरेबल रहता है। ठीक है, एंड लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, टेम्परेचर के साथ केमिकल एडजॉर्प्शन होगा लेकिन एट ए टाइम मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगता है। क्यों डिक्रीज होने लगता है, कि जैसे ही पार्टिकल्स वहां पर एडजॉर्ब होंगे, ठीक है, एट ए पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट पर वहां पर जाकर जो गैसेज के पार्टिकल जो सॉलिड पर एडजॉर्ब हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वह एडजॉर्ब होंगे नहीं सॉलिड पर, क्या करेंगे मूव करने लगेंगे, क्या होंगे मोशन करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है एट ए मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर एडजॉर्ब होने के बाद। एट ए मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम जैसे मैं देखो कर्व में देखो केमिकल एडजॉर्प्शन के एक मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है एडजॉर्प्शन, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू और बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है घट रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ाया, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट से आगे बढ़ाया, तो क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब हो रहे थे वो क्या उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो मोशंस करने लगे, क्या करने लगे मूव होने लगे वहां से, एडजॉर्प्शन क्या है वह एडजॉर्प्शन शो नहीं करेंगे, वे वहां से मूव होने लगेंगे मोशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से केमिकल एडजॉर्प्शन ऑन इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर, ठीक है, फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर क्या होना डिक्रीज होने लगेगा। मतलब एट ए पॉइंट एक पॉइंट तक वो बढ़ेगा इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन उस पॉइंट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगता है, क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है। एंड ये जो फैक्ट मैंने लिखा कि फेवर एट ए लो टेम्परेचर, ये केवल फेवरेबल है आपके लिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। कौन से एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। एंड कि यहाँ पर कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ये फिनोमिना वर्क नहीं करता है, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर जहाँ पर गैस मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी उस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होने लगती है। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स वहां से मूव होने लगते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये था मेरे पास टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। एंड अब जब देखते हैं प्रेशर, क्या है प्रेशर, तो एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट रखेंगे यहाँ पर, कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जितने ज़्यादा हम गैसेस के पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है, वहाँ पर बताया गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को शो करती है। ठीक है, तो ये था मेरे पास फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के फैक्टर्स को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।